नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन कोलोफाइलम के बारे में, जो कि वुमेन्स के लेबर पेन में बहुत हेल्पफुल रहती है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सिम्टम्स में दी जाती है और इसकी डोसेज क्या रहनी चाहिए। आइए जानते हैं, कोलोफाइलम जो मेडिसिन है, ये अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान कोलोफाइलम का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोसेज जो है वो डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर अगर कोई भी मेडिकेशन आप गलत ले लेते हैं तो आपको और आपके बच्चे को जो है नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो लेडीज़ ये चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो, लेबर पेन्स जो हैं वो नॉर्मल टाइम पे हो और लेबर पेन्स में उन लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, उन लोगों का जो बीपी वगैरह है वो नॉर्मल रहे और उन लोगों को दर्द जो है वो कम महसूस हो लेबर पेन के दौरान, ऐसे टाइम पे आप कोलोफाइलम का यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप लोगों का टाइम पूरा हो चुका है, डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है और आप लोगों के लेबर पेन्स जो हैं वो शुरू हो ही नहीं रहे, शुरू होने का नाम नहीं ले रहे, तब भी आप कोलोफाइलम का यूज़ कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाने में ये हेल्पफुल रहती है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा वीक हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी वीक रही हों और अब उन लोगों को डर लग रहा हो कि बेबी करवाते हुए उन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही हो, ऐसे टाइम पे हम कोलोफाइलम का यूज़ करते हैं। कोलोफाइलम लेने से डिलीवरी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाती है और इसके बाद भी आप लोगों को दर्द जो है वो कम महसूस होता है और आपका यूट्रस जो है वो हेल्दी रहता है। प्रेगनेंसी के लास्ट के जो 3 हफ्ते हैं या 2 हफ्ते हैं उनके अंदर आप इसका यूज़ रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, पर डोसेज जो है वो अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लें और एक बार उनसे अच्छे से सलाह ले लें कि आप लोगों के लिए ठीक रहेगा या नहीं। बहुत सी महिलाओं में अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं और होने के तुरंत बाद ही बच्चा जो है मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। इस वजह से जो महिलाएं परेशान रहती हैं वो कोलोफाइलम का यूज़ कर सकती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी कोलोफाइलम ले सकती हैं और अगर चाहें तो प्रेगनेंसी होने से पहले से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं। कोलोफाइलम जो है वो आपके यूट्रस को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नॉर्मल डिलीवरीज करवाने से अलावा अगर हम बात करें तो कोलोफाइलम जो है वो लुकोरिया में भी दी जा सकती है। स्पेशली जो छोटी लड़कियां हैं जिनको लुकोरिया की शिकायत रहती हो वो कोलोफाइलम ले सकती हैं। जिन बच्चों में, जिन लड़कियों में लुकोरिया होता हो, वाइट डिस्चार्ज आ रहा हो, वेजाइनल डिस्चार्ज, और उसकी वजह से उन लोगों को जलन और खारिश रहती हो और बहुत ज़्यादा खारिश होती हो जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, ऐसी सिचुएशन में हम कोलोफाइलम का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में और बहुत सी मेडिसिंस हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्रियोसोट भी इनमें से एक है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि आपको कौन सी मेडिसिन जो है सूट करेगी। कोलोफाइलम जो है वो रूमेटिज्म में भी काम आती है, स्पेशली जब अगर आपका रूमेटॉइड जो है वो आपके स्मॉल जॉइंट्स में हो, जैसे कि हाथों पैरों की उंगलियों के अगर जॉइंट्स के अंदर दर्द है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रूमेटॉइड की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं वो कोलोफाइलम लेकर अपने सिम्टम्स में आराम पा सकते हैं। कोलोफाइलम अलग अलग पोटेंसीज में आती है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके पूछें कि वो 200 पोटेंसी में लेनी है, 30 में लेनी है, 1 ml में लेनी है या कितनी पोटेंसी में लेनी है, क्योंकि अगर आप लोग गलत डोसेज का इस्तेमाल कर लेंगे, गलत पोटेंसी का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।